नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज हम बात करेंगे टाटा टियागो के बारे में। टाटा टियागो जो अवेलेबल है, टोटल आपको 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, XE, XM, XZ, XZ ऑप्शनल और टॉप वेरिएंट XZ प्लस, और एक NRG वेरिएंट भी अवेलेबल है आपको टियागो के अंदर। ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वॉक अराउंड किया हुआ है XM वेरिएंट का, XZ वेरिएंट का, XZ ऑप्शनल वेरिएंट का, XZ प्लस का, और अभी लेटेस्ट हमने NRG का भी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड किया था। अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे बेसिक वेरिएंट XE के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च आउट कीजिए CARQUEST1 और आप हम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, CARQUEST सर्च आउट करके आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के कलर से। जो टियागो अवेलेबल है, टोटल आपको बेसिक वेरियंट के अंदर टोटल आपको 4 कलर्स मिलेंगे। आपको वाइट कलर इसके अंदर मिलेगा, ब्राउन कलर इसके अंदर मिलेगा, सिल्वर कलर अवेलेबल हो जाएगा और एक बेरी रेड कलर अवेलेबल हो जाएगा। टोटल आपको 4 कलर चॉइसेस मिलेंगी। अगर आप जाते हैं अपर वेरिएंट्स पे तो वहाँ पे आपको 2 कलर चॉइसेस एक्स्ट्रा मिल जाती है। आपको एक टाइटेनियम ग्रे कलर ऐड ऑन हो जाएगा और एक आपको ऑरेंज कलर ऐड हो जाएगा जो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आपको एक ड्यूल टोन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आप ड्यूल टोन पसंद करते हैं तो ड्यूल टोन भी आप परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक से। जो लुक्स आपको मिलेंगी गाड़ी की वो बिल्कुल सिमिलर मिलेगी। फ्रंट में आपको ये हेक्सागन स्क्रीन ग्रिल मिल जाती है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगी। बिल्कुल सेंटर में आपको टाटा का एम्ब्लेम लोगो मिल जाते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे की तरफ आपको ये क्रोम वर्क मिल जाएगा जो एज इट इज़ ये आपको कंटिन्यू मिलेगा। हेडलैम्प्स में भी, जो हेडलैम्प्स भी आपको मिलेंगे वो काफ़ी वाइड आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और ये नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे। जो फ्रंट बम्पर आपको मिलेगा वो आपको बॉडी कलर्ड बम्पर मिलेगा। जैसे ये बेसिक वेरियंट्स है तो इसके अंदर आपको कोई भी फॉग लैम्प्स और ये सब ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे। आप एज अ एसेसरीज आप इनको एक्स्ट्रा फिटमेंट करा सकते हैं। तो ये थे फ्रंट लुक्स टियागो XE बेसिक वेरिएंट के। अब चलते हैं साइड में और बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है, जो लेंथ है वो सिमिलर रहेगी, सभी वेरिएंट्स में बिल्कुल सिमिलर रहेगी। स्टार्ट करते हैं टायर साइज़ से। जो टायर साइज़ आपको बेसिक वेरिएंट में मिलेगा वो आपको 13 इंची स्टील रिम मिलेगा और इसमें ये यहाँ पे सेंटर में सिर्फ हब आपको मिलेगी। अपर वेरिएंट में आपको हाफ व्हील कवर मिल जाता है और उससे अपर वेरिएंट में आपको ये फुल व्हील कवर मिल जाता है। इस 13 इंची टायर के साथ जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी वो आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। जैसे XE और XM में जो टायर साइज़ आपको मिलता है वो 13 इंचेस मिलता है, उसे अपर वेरिएंट में आपको 14 और 15 इंचेस टायर साइज़ मिलेगा। वहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी गाड़ी की वो 170 mm हो जाएगी। आप जैसे ही साइड मिरर्स आप देखेंगे तो ये आपको बॉडी कलर ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलेंगे। बॉडी कलर ये अपर वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे और ये मैनुअली एडजस्टेबल है, आप इनको मैनुअली अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो डोर हैंडल भी आपको मिलेगा ये भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा, ये रफ ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा। अपर वेरिएंट में ये भी आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। तो ये थे साइड प्रोफाइल XE वेरिएंट के। अब चलते हैं रियर में और बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। जैसे ही आप गाड़ी की रियर लुक्स देखते हैं जो सिमिलर रहेगी बिल्कुल बेस टू टॉप, जो माइनर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, टॉप पे आपको ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, बिल्कुल सेंटर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ये स्पोर्टी स्पैड्स मिल जाएंगे ब्लैक कलर के अंदर जो आपको ये मिलेंगे। वहीं रियर शील्ड पे आपको बेस वेरिएंट के अंदर कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं रहेगा, वाइपर वॉशर डिफोगर का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको टॉप वेरिएंट्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपको टियागो की बैजिंग मिल जाएगी और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर आपको वेरिएंट की बैजिंग मिल जाएगी। जैसे ये XE वेरिएंट है तो इसकी बैजिंग आपको मिल जाएगी। बात करें टेल लैंप्स की, जो टेल लैंप्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, सभी वेरिएंट्स में आपको सेम हेड लैंप्स मिलेंगे और ये नॉर्मल हेड लैंप्स आते हैं, LED हेड लैंप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बेसिक वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो असिस्ट करेंगे आपको पार्किंग में। और जो रियर बम्पर आपको मिलेगा इसमें ये आपको लोअर पार्ट जो मिलेगा ये रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा जो एक रियर को एक स्पोर्टी फील देता है और प्रिवेंट करता है बम्पर को स्क्रैचेस से। अगर आप कहीं कंजस्टेड एरिया में ड्राइव करें तो वहाँ पे ये रियर बम्पर को प्रिवेंट करेगा। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे एक अलग से लॉक मिल जाता है, अगर आप
बूट एक्सेस करना चाहें तो की के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वेरिएंट में आपको फ्रंट से ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं, बूट स्पेस आपको सभी में बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, 242 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको पार्शियल सेल्फ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। आप चेक करते हैं स्पेयर व्हील, जो स्पेयर व्हील आपको मिलेगा वो 13 इंचेस आपको स्टील रिम मिलेगा। जैसे आपको सभी फोर टायर्स मिल रहे हैं, ये भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। टूल किट के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉपर टूल किट मिलेगी जो प्रॉपरली पैक्ड है इसके अंदर। साथ ही जो सीट्स भी आपको मिल रही हैं, ये फोल्डेबल मिल रही हैं। अगर आप लगेज ज़्यादा कैरी करना चाहते हैं तो आप इस सीट को कम्प्लीट फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह कम्प्लीट फोल्ड हो जाएगा। इसका लोअर पार्ट अलग फोल्ड हो जाएगा और अपर पार्ट ये अलग से फोल्ड हो जाएगा। तो ये था रियर प्रोफाइल टियागो एक्सई वेरिएंट का। अब चलते हैं रियर सीट पे और बात करते हैं गाड़ी के रियर सीटिंग कंफर्ट की। तो आइए चलते हैं, बात करें रियर डोर ट्रिम की। जो रियर डोर इंसर्ट्स आपको ये मिलेंगे, ये आपको अपर पार्ट आपको ब्लैक कलर मिलेगा और नीचे ये जो पार्ट मिलेगा आपको लाइटर शेड में मिलेगा। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलेगा, 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और जो विंडोज़ रहेंगी वो मैन्युअली आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। अब चेक करते हैं सिटिंग स्पेस। जो सिटिंग है गाड़ी की वो सभी वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम रहेगी, बेस टू टॉप थाई स्पोर्ट आपको प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ सेंटर में अगर आप देखते हैं तो सेंटर में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है। और जो रियर हेडरेस्ट भी आपको मिलेंगे, ये भी फिक्स्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। रियर में कोई भी आपको पार्किंग, मोबाइल चार्जिंग का इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये था रियर सीटिंग कंफर्ट टियागो एक्सई वेरिएंट का। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी के अंदर आपको इस तरह की दो कीज़ मिलेंगी, आपको ये मैनुअल कीज़ मिलेंगी। इसमें क्या रहता है, बेसिक वेरिएंट में अगर आप यहाँ से इसको लॉक करते हैं तो ओनली ड्राइवर साइड विंडो लॉक और अनलॉक होगी, बाकी सभी आपको ये मैनुअली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं रहता। वो आपको इससे अपर जो वेरिएंट आता है XM, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। जैसे मैंने आपको बताया, जो ड्राइवर सीट है वो भी बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, ये पैनल एज इट इज़ अपर ब्लैक और ये लोअर में आपको थोड़ा लाइटर शेड में मिलेगा। फ्रंट विंडोज़ भी आपको इसके अंदर मैनुअल मिलेंगी और जो मिरर्स आपको मिलेंगे ये भी यहाँ से आप इनको मैनुअल नॉब के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो ये एसी वेंट्स की आप ये फिनिशिंग देखेंगे, ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा कवर लगे हुए हैं, एसेसरीज लगी हुई हैं। नॉर्मल आपको ये फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। अगर आप ये परचेज़ करते हैं सेम सीट कवर टाटा मोटर से जेन्युइन, तो इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा 7600 रुपीज़। और जो स्टेयरिंग आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर वो टिल्ट एडजस्टेबल रहेगा, आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन टियागो के किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। और बेसिक वेरिएंट में जो रहेगी सीट, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं, फोर वे एडजस्टेबल रहेगी। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको अपर वेरिएंट्स में मिल जाएगा। स्टेयरिंग पे आपको ये फिनिश मिल जाएगी, ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरपीएम मीटर और इधर आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको DIS मिलेगा 2.5 इंचेस का, जिसके अंदर आपको दिखाएगा गाड़ी के अंदर कितना किलोमीटर्स चली हुई है, नीचे की तरफ दिखाएगा गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है। और यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर आपको ये सभी नोटिफिकेशन दिखाएगा। जैसे ये जो वेरिएंट है ये अपग्रेडेड वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे एयरबैग भी अवेलेबल हो रहा है इधर ड्राइवर साइड, और आपको ये पैसेंजर साइड एयरबैग भी अवेलेबल हो जाएगा इस वेरिएंट में। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। जो सेंट्रल कंसोल आपको मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक वेरिएंट है, इसके अंदर आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम या इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको वो आफ्टर मार्केट या फिर आप कंपनी से परचेज करके यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको इकोनमी और सिटी मोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड है टियागो के सभी वेरिएंट में। बिल्कुल इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एसी पैनल मिल जाता है, मैनुअल एसी आपको मिलेगा। यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड और यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एयर सर्कुलेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं इनडोर या आउटडोर, और यहाँ से आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा,
नीचे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगी, अगर आप कुछ कैरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे ये जो गाड़ी है ये एक 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपको ये 5-speed नोब यहाँ पे गियर नोब मिल जाएगी। यहाँ सेंट्रल कंसोल में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा ये आपको टेक्सचर्ड मटेरियल के साथ मिलेगा, ये आपको ब्लैक और नीचे आपको ये लाइटर शेड में अवेलेबल रहेगा। जो इनर मिरर भी रहेगा ये भी मैनुअली ये नॉर्मल रहेगा, ये डे नाइट का ऑप्शन यहाँ पे एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं रहेगा आपको। तो ये था इंटीरियर्स टियागो XE वेरिएंट का। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। ड्यूल एयरबैग, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD और साथ ही कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही ओवर स्पीड अलर्ट मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट सेफ्टी पैकेज आपको मिलेगा टियागो बेसिक वेरिएंट के साथ ही। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की। जो टियागो अवेलेबल है पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में आपको अवेलेबल रहेगी। पेट्रोल में जो इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा, जो एक 3-cylinder इंजन है 1199 cc, जो पावर जनरेट करता है 85 PS की और साथ ही जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 140 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 23.84 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। जो डीजल इंजन आपको मिलेगा 1.05 लीटर्स का आपको इंजन मिलेगा, 1047 cc, जो पावर जनरेट करता है 70 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 27.39 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। अब बात करते हैं गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी की। जो स्टैंडर्ड आपको वारंटी मिल रही है 2 साल 75,000 किलोमीटर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है और आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइजेस की। अगर आप कंसीडर करते हैं टियागो को पेट्रोल के अंदर तो इसके लिए जो प्राइस रहेगा 4,39,990 रुपये एक शोरूम प्राइस रहेगा। अगर आप कंसीडर करते हैं डीजल वेरिएंट 5,24,990 इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा। जो मैंने आपको ये प्राइजेस बताए ये सभी दिल्ली एक शोरूम प्राइजेस है। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कर लीजिएगा कि वो पब्लिश हमने कब की है, क्योंकि हम जो प्राइजेस बता रहे हैं वो अभी आपको करंट प्राइजेस बता रहे हैं। क्योंकि आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है कि प्राइजेस जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। मे बी आप एक महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम ये प्राइजेस डिफरेंट हो। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड टियागो XE वेरिएंट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम एक डिटेल्ड वॉक अराउंड लेके आएँ आपकी फेवरेट गाड़ी का तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं टियागो कोई भी वेरिएंट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टियागो को लेकर, तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।